देख सकते हैं देखने में कितना शानदार लग रहा है। यहाँ की बहुत सारी मूवीज, भोजपुरी सॉन्ग्स, एल्बम सारी यहाँ की रिकॉर्ड हो चुकी है। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ऐसा दृश्य है जो कि एक बार अगर यहाँ कोई एल्बम या मूवी शूट होता है तो हिट करना जरूरी है, फ्लॉप का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए सासाराम की नगरी। तो अभी हम अपने रूम से निकल रहे हैं, मेरे पास है मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, अभी जाएंगे देवों के देव महानगरी देखने के लिए। तो चलो आपको मैं वहाँ जा कर शेयर कराऊँगा, तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ वेटिंग वॉच, थैंक यू। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रूम से बाहर, देख सकते हैं अभी हम लोग हैं सासाराम रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज के पास। और आज मेरा कुछ काम था नारायण मेडिकल कॉलेज में, इसलिए साथ में मेरे पापा और मम्मी आए हुए हैं। अभी हम जाएंगे घूमने के लिए सासाराम के ही पास में पड़ता है पायलट बाबा, जहां उनकी दर्शन लेंगे। उनके बाद दर्शन लेने के बाद फिर आप लोगों से मैं शेयर करूंगा और आपको उस मंदिर को भी दिखाऊंगा, बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने अभी कैंपस से निकल रहा हूँ, अभी हम नारायण मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं तो अभी हम निकल रहा हूँ, उसके बाद आप लोग से शेयर करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतरेंगे। तो कैरी ऑन गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अभी हम फोर्थ मंजिल पे हैं, देखिए अभी हम फोर्थ मंजिल पे हैं। अभी हम निकल रहे हैं लिफ्ट से बाहर, अभी हम जाएंगे सबसे नीचे, उसके बाद ऑटो लेंगे, उसके बाद जाएंगे पायलट बाबा सासाराम में जो स्थित है। यहाँ का मशहूर पायलट बाबा जो शिव शंकर भगवान की बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है, जिसका हम लोग अच्छे से नमन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए YouTube घुस गए हैं, घुस गए हैं हम लोग लिफ्ट में। अब लिफ्ट से जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे लिफ्ट से। फिलहाल हमारा लिफ्ट बंद हो चुका है और अभी हमारे साथ है मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी हैं। तो फाइनली आज हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा नारायण मेडिकल कॉलेज, यहीं से मैं पढ़ा हूँ, कुछ काम की वजह से मैं आया हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, ऑटो लेंगे, ऑटो लेने के बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट पायलट बाबा। पायलट बाबा का आपको दृश्य दिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे से, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। तो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी हम नारायण मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर हैं तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। तो देख सकते हैं मेन गेट के थ्रू हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये रहा हमारा मेन गेट, मेन गेट के थ्रू हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आप अच्छे से ब्लॉग कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये मेरे पीछे मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। अब हम ऑटो में बैठने के बाद ही आप सबसे शेयर करेंगे, ओके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर, थैंक यू। तो फाइनली गाइस हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, आ जाओ ना। तो गाड़ी में बैठने के बाद पता चला मेरे पापा को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो जिसके वजह से हम जा रहे हैं एक फूड कोर्ट जहाँ पे पापा को भोजन खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है घूमने के लिए निकलेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से व्यू, ये रहा हमारा नारायण मेडिकल कॉलेज का गेट, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू वगैरह सब। अभी हम लोग जो है कैंपस जा रहे हैं, कैंपस के ही अंदर में फूड कोर्ट है जहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा बहुत लंच करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से हम घूमने के लिए निकलेंगे। ये रहा हमारा नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि सासाराम रोहतास जिला में स्थित है। अभी हम लोग जाएंगे खाएंगे, थोड़ा पापा को ब्रेकफास्ट खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो अभी हमारे साथ बने हुए हैं मेरे पापा और मेरी मम्मी, ठीक है। देख सकते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज,
ये बिहार का सबसे नंबर वन प्राइवेट कॉलेज में आता है। और सैलरी की बात किया जाए तो जो भी यहाँ स्टाफ जॉब करना चाहते हैं तो पूरे बिहार से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला हॉस्पिटल यही है। चाहे वो आप क्लिनिकल ड्यूटी करें, चाहे वो आप प्रैक्टिकल ड्यूटी करें, चाहे आप वो ट्यूटर में एडमिशन लें, चाहे प्रोफेसर ड्यूटी करें। देख सकते हैं सासाराम का भीड़, यहाँ पे हमेशा जो है कि 5,000-10,000 में रिसेप्शन काउंटर पे लगे रहते हैं चिट्ठा कटाने के लिए। ये रहा हमारा दवा खाना और इसके ही जस्ट बगल में है फूड कोर्ट। देखिए अभी हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये हुआ हमारा कैंटीन हॉस्पिटल के अंदर में जो है। अभी यहाँ हम लोग भोजन करेंगे, पापा को खिलाएंगे, उसके बाद ही कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। कैसे भी है प्लेट ख़त्म हो गया है, हाँ 7 बजे से कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, दूसरा ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे तो अभी काफ़ी शाम हो गई है जिसके वजह से ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो है कैंटीन में खाना ख़त्म हो गया है जिनके वजह से हम दूसरा जगह ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देख सकते हैं ये मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, देख सकते हैं। अभी हम लोग बाहर के मेन गेट से आउट करेंगे। अभी हम लोग दूसरा कैंटीन आए हुए हैं, इस कैंटीन आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे खाना अवेलेबल है कि नहीं है। भैया सादा भोजन मिलेगा क्या, कहाँ मिलेगा अभी? ओके भैया, थैंक यू। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं हुआ, अब जा रहे हैं बाहर देखने के लिए। बात है कि दोस्तों टाइम हो गया है 5 बजे होता है लंच का टाइम। ये रहा हमारा नारायण मेडिकल का बाहर का लोकेशन, देख सकते हैं। यह है मेन गेट, ये है नारायण मेडिकल का मेन गेट। बाहर की ओर चलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं सासाराम का शेर सूरी मकबरा देखने के लिए। पूरा आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का व्यू, यहाँ का चारों तरफ का नजारा देखिए। देखिए इसके बारे में आप इतिहास में जाके पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि ये जो मंदिर है कितनी पुरानी है। देख सकते हैं ये हम लोग इन कर रहे हैं अंदर, हम लोग अंदर की इन कर रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग अंदर इन कर रहे हैं, ये हम इन कर गए हैं शेरशाह सूरी का मकबरा अंदर। यहाँ का चारों तरफ का व्यू देखिए। देखिए यहाँ पे जो है कि देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक किनका वो है शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी का जो है मकबरा है। शेरशाह सूरी का यहाँ पे वो दफन किया गया था जो आप देख सकते हैं। ऊपर का नजारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार दिख रहा है। देख सकते हैं मेरे पापा मम्मी मेरे साथ हैं, आज आए हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं ये जो जितना भी दिख रहा है, ये गुफा कबड़ी जितना भी दिख रहा है, ये शेरशाह सूरी के फैमिली मेंबर्स का वो है कब्रिस्तान है, जहाँ इस जगह इन सबको स्थापना किया गया था। अब देख सकते हैं यहाँ है शेर सूरी का स्पेशल, जिनके लिए हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इनका दर्शन लेने के लिए। अब देख सकते हैं ये तो अभी हम गुफा के अंदर हैं, अभी आपको गुफा के बाहर जाके दिखाएंगे। ओके, तब तक लगी हमारे वीडियो के साथ साथ, थैंक यू। ये आप लोग, हम लोग बाहर निकल गए हैं।
ये हम लोग बाहर निकल गए हैं। देखिए ये बाहर का व्यू, ये सारा जो है कि मार्बल का बना हुआ है, ये सारा देख सकते हैं मंदिर वगैरह सब। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ का देखिए पीछे का नज़ारा, देखिए बीच में ब्रिज बना हुआ है और वो ब्रिज तरफ के हम लोग को इस पार आना पड़ता है। देखिए यहाँ का जो है कि चारों तरफ पानी है और ये जगह का नाम है सासाराम रोहतास जिला, और जहाँ पे कि शेर शाह सूरी का मकबाड़ा स्थित है। तो आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ, तो आज हम आप लोग को पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। हम लोग अभी पूरा जो है कि इस मंदिर का आनंद ले रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। ये है हमारा मकबाड़ा जो कि हजारों साल पुराना है, मानिए ना कि 50,000 साल पुराना है ये। देखिए अभी तक ये मंदिर देखिए एकदम नया का नया, एकदम बिल्कुल भी नहीं इसका लुक चेंज हुआ है, और भी ज़्यादा धीरे धीरे शानदार होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा हम जो इनको, और देख सकते हैं यहाँ का जो है कि इसके बारे में आपको जो है कि इतिहास में पूरा डिटेल्स मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ये आखिर स्थित कब हुआ था, यहाँ कौन रहते थे, यहाँ किस स्थिति के कारण जो है कि ये खाली पड़ गया, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर दूर से घूमने के लिए लोग आते हैं, जाते हैं और यहाँ का दर्शन लेते हैं। आप देख सकते हैं बालकनी के उधर, हम नीचे जाके दिखाते हैं आपको, चारों तरफ पानी ही पानी है। बीच में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबाड़ा, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं पानी ही पानी है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि जो हमारे जो वो शेर शाह सूरी जी थे, इसी में स्नान किया करते थे, और जो है कि आप देख सकते हैं ये कि सासाराम सिटी के बीचों बीच ये स्थित है। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये इतना हजारों साल पुराना है, लेकिन देखने में देखिए कितना ठोस है। यहाँ एक एक जो है कि ये ईंट का तो इस्तेमाल किया ही नहीं गया है, ओनली ऑन फोल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है ये बनाने में। अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा, शेर शाह सूरी सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। अभी हम लोग पूरा यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाएंगे, फिलहाल तो थोड़ा बहुत दिखा दिए हैं, फिर भी अभी हम घूम रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो कभी यहाँ का दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। देख सकते हैं ये मेरे पापा बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और ये मेरी मम्मा हैं, बैठो। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लुक है, यहाँ का आसपास का एरिया देख लीजिए। अभी हम यहाँ पे दो तीन फोटो क्लिक करेंगे पापा का। फ्रेंड्स यहाँ का जो बनावट बनाया गया है, उस समय में जो है कि पत्थर ईंट वगैरह का जो इस्तेमाल किया नहीं जाता था, जिनके वजह से पत्थर का ही यहाँ पे सारा व्यू बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सीढ़ी मिलेगी, मार्बल मिलेगी, आपका जो ये जो गोदाम है इसका जो मिलेगा आपका पूरा वो हर एक चीज़ यहाँ पत्थर से बनाया गया है, सारा डेकोरेट पत्थर से ही किया गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा देख के तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद लग रहा होगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कभी इस जगह पे आइए, विजिट कीजिए और यहाँ का एंजॉय लीजिए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, और फिलहाल हम लोग भी घूमने के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग का घर पड़ता है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हम लोग घूमने के पर्पज से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं अभी मेरे पापा मम्मी ऊपर की ओर चल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ एक भी ईंटे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सारों पत्थर से बनाया गया ये इमारत है, देख सकते हैं यहाँ का व्यू, देख सकते हैं यहाँ से आपको सासाराम का पूरा चारों तरफ का सिटी दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ का व्यू।
नजारा एकदम औसम देखने में कमाल का लग रहा है यहाँ का व्यू, इसलिए यहाँ पे इतने दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। फिलहाल हम भी बहुत दूर से ही आए हैं घूमने के लिए, तो क्यों नहीं सोचे कि आप लोग को भी शेयर करवाए इस जगह के बारे में। ये सासाराम सूरी है जो रोहतास जिले में स्थित है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी इस जगह पर आके अपना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का बस लोग भी बहुत आते हैं घूमने के पर्पज़ से। बाकी देख सकते हैं इसका व्यू, ये जितनी भी इमारत बनी हुई है एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। काल मैं यहाँ पे आपके आपके बारे में बता दूँ कि यहाँ पे जो है पूरा हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है वो आप लोग को मैं शो करूँगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, वहाँ से आपको मैं शो करूँगा वीडियो, ठीक है। अभी मैं दूसरे जगह जाऊँगा, पैलेट बाबा जो सासाराम के ही अंदर आता है, वहाँ से मैं जाके आपको ब्लॉग करूँगा, ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊँगा, वहाँ के बारे में आपसे सारी बात शेयर करूँगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये रहा शेर शाह सूरी जो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगा पैलेट बाबा की मंदिर, ठीक है। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।